अस्सलाम वालेकुम। बारिश हो रही है। अरे माशाल्लाह, वो देखो सारे बच्चे आज बाहर निकले हुए हैं बारिश का मजा ले। बारिश तो हो रही है लेकिन मैं एक चीज को जरूर मिस कर रहा हूँ, बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं आप लोग को दिखाता हूँ अभी इस क्लिप में। बरोन दा बरोन। तो ये वो एक चीज है जिसको मैं मिस कर रहा हूँ फिलहाल, यहाँ पे और इधर। मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, पता नहीं वो कब आएगा कब नहीं। उसको मैं बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा हूँ उसको। चलो अल्लाह करे आज उसके साथ बारिश नहीं देख रहा, लेकिन खुद तो एंजॉय कर रहा हूँ ना। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। तो भाई व्लॉग को इधर से शुरू करते हैं और सब्सक्राइब जरूर करना, अभी जाके वीडियो पोस्ट करके नीचे लाइक देना और शेयर करना ताकि आप लोग भी देख सको, साथ साथ आपके दोस्त और जो भी है वो भी देख सके और एंजॉय कर सके। और वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। फिलहाल यार घर के अंदर चले जाते हैं, क्यों खामखा नहाने बारिश में। सही बात है कि यार बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत टाइम बाद ही बारिश हुई, लेकिन फिर भी यार इंसान नहीं जाते जल्दी। अच्छा बारिश तो हो रही है लेकिन हवा नहीं है, सूखा सूखा सा लग रहा है सब। मतलब कि चलो सही है बारिश है लेकिन हवा नहीं है, जब हवा ना हो ना फील नहीं होता कि ये बारिश हो रही है। सबर करो। तो वापस अंदर आ गया हूँ घर के मैं, तो क्योंकि शायद ये पहली बारिश है यहाँ पे तो बीमारी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, तभी मैं अंदर आ गया। तो इंशाल्लाह जैसे ही मतलब बारिश कम हो जाते हैं जाते हैं बाहर घूमने दोस्तों के साथ, दोस्तों को बुलाता हूँ, कुछ करते हैं यार। मौसम अच्छा है आज, चाय पीने का मौसम है। एहे। तो देखते हैं इंशाल्लाह, देखते हैं फिर क्या होता है। 5 minutes later। कोई रेडी ही नहीं है यार मेरे साथ बाहर जाने के लिए, सारे दोस्त बिजी है यहाँ वहाँ। मैं नहा धो के कपड़े चेंज करके अभी बैठा था घर पे, तो मैं सोचा यार मेहमानों को बुलाते हैं अपने घर, आज है मेहमानों का दिन, मेहमानों को घर बुलाते हैं और आप लोग को खुद पता चलेगा कि वो मेहमान है कौन, कैसे दिखते हैं, क्या है क्या नहीं, वो आप लोग को सब पता चल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल जाते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। मौसम ने ना मुझे बड़ा रोमांटिक सा कर दिया यार, समझ रहे हो, इतना प्यारा मौसम। ओ देखो क्या हो गई है यार, फोटोग्राफी होनी चाहिए। तो भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे फिलहाल, देखो गोल्डन गोल्डन यहाँ पे सबसे प्यारी मछली जो मैंने देखी है वो ये रही। इसमें एक कमाल है कि रंग बदलती है, शाइन करती है अंदर से, पता नहीं कैसे लेकिन सुभान अल्लाह ये कलर बदलती है। देखो अभी मुझे यहाँ पे देखना है कि कौन सी वाली लेनी है हमने, मेरे ख्याल से तो गोल्डन ही लेंगे अभी, लेकिन देखते हैं अगर कोई और हो ऐसे प्यारी सी तो फिर वो ले लेंगे हम लोग। तो भाई अभी इसको करते हैं पैक, पकड़ो 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 पकड़ लिया।
पकड़ लिया। ओ भाई यहाँ पे तो ये भी है। मैं थोड़ा बिजी हो गया था, बीच में कहीं गया था मैं। फिलहाल हमने दूसरा वाला उठा लिया, जो हमने ऑलरेडी उठाया था वो हमने वापस कर दिया, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए था एक्वेरियम और उसके लिए ऑक्सीजन वगैरह वगैरह तो ये हमारे पास है नहीं। बूंद बूंद बारिश भी हो रही है। अच्छा दोपहर से अभी तक बारिश। चलो अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। हम एक मेहमान को लेके आ रहे हैं अपने घर, मेहमान को लेके आ रहे हैं। हेलो भाई, इसका डिनर का टाइम आ गया है। वो देखो ऊपर खाना पड़ा हुआ है, वो नीचे घूम रहा है। ये नया है ना इस घर पे, तो अकेला अकेला सा फील कर रहे है। देखो नीचे घूम रहे, पता नहीं क्या कर रहे है, शायद इसका पेट भरा हुआ है, लेकिन खाना नहीं खा रहा। देखो इसका असल नाम फाइटर है, लेकिन अभी इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं यार। क्या नाम रखते हैं इसका? तो भाई इसका नाम मैंने सोच लिया, आज के बाद इसको ऑस्कर बुलाते हैं, ऑस्कर। तो भाई हम लोग मेहमान को घर लेकर आ चुके हैं और उसका मैंने ऑस्कर नाम रख दिया है। और इसका असल में ये ऐसे एक फिश है जो दो हम लोग नहीं रख सकते हैं साथ में, तभी मैं एक ही लेके आया। मैंने गोल्डन फिश चूज़ किया था, उन्होंने कहा यार इसके लिए ऑक्सीजन रखना ज़रूरी है, बड़ा एक्वेरियम रखना है वगैरह 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 वगैरह। तो मैंने सोचा यार अगर मैंने इतना कुछ किया तो मुझे ज़्यादा लेके आने पड़ेंगे, और एक ही टाइप की फ़िश नहीं लेके आनी मुझे, मतलब दो तीन टाइप हो उसमें। और फाइनली मैं फाइटर को लेके आया हूँ, जो कि हमारा मेहमान है। फिलहाल हम जाते हैं कॉर्निश की तरफ, ऑस्कर के टैंक को थोड़ा सजाना है, तो उसके लिए कोई सी शेल कुछ उठाते हैं ताकि उसका टैंक थोड़ा मतलब प्यारा सा लगे और वो उसमें खुश रहे। तो जाते हैं अभी वहाँ पे जाके देखते हैं कि हमें क्या मिलता है, किस तरह के सी शेल मिलते हैं, किस तरह के पत्थर जिससे उसका टैंक खूबसूरत नज़र आए। अभी हम लोग आए हैं कॉर्निश की तरफ अपने ऑस्कर के लिए, कुछ पत्थर वत्थर कुछ भी ऐसे लेके जाते हैं, सी शेल हुए या कुछ भी ऐसे ना। ये देखो कॉर्निश की तरफ आए हुए हम लोग, अभी हमारे सामने इतने सारे हैं, उसमें से हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं क्या अच्छा दिखेगा। तो जैसे कि अभी ये हुआ या इसी रिलेटेड कुछ ऐसे, ये सब जमा करते हैं फिर ऑस्कर के टैंक को थोड़ा सजाने। फिर मैं सोचा यार चप्पल उतार लेते हैं, थोड़ा जाते हैं पानी की तरफ। शिट गीला हो गया यार, कुछ निकल गया ना इस अंधेरे में, पता ही नहीं चलेगा हमें, जाके इलाज करो। आप लोग को अभी दिखेगा नहीं वैसे, लेकिन वहाँ पे लोग नहा भी रहे हैं अंदर, और इस तरफ भी लोग नहा रहे हैं। तो मतलब ये टाइम है कोई नहाने का यार, अंधेरे में कुछ निकल आया तो मतलब पता ही नहीं चलेगा पानी के अंदर ही, अजीब लोग हैं यार। अभी इसको दिल ही नहीं कर रहा घर जाने का, मैं इसको गाड़ी में थोड़ी ना बैठा रहा हूँ अभी, ख़त्म, इसको इधर ही रहने दो। गंदे टांगों के साथ मैं किसी को भी गाड़ी में नहीं छोड़ता अपने, रहने दो इसको इधर ही। मैं जाऊंगा पैदल, जाओ।
खत्म। गाड़ी में हम तब बैठेंगे जब रमल चला जाएगा टांगों से, तो फिलहाल यहाँ पे देखते हैं जब पैर सूखता है उसके बाद ही बैठेंगे गाड़ी में, फिर जाने बाहर से काना उठा के घर जाने मुझे। ऑस्कर का तो भाई काम हो गया, अभी फिलहाल चलते हैं काना लेने के लिए। ऑस्कर को घर में जाके सरप्राइज देंगे फिर, क्योंकि वो बेचारा अभी अकेला है, उसके ना कोई दोस्त है ना कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है उसका। तो मैंने सोचा यार वो उसी में ही खुश रहे, उसका जो एक नस्ल है वो उसका नाम ही ऐसे है कि फाइटर, मतलब अगर दो मेल आ गए ना उसके टैंक में कोई ना कोई मरा पड़ा रहेगा। मारो मुझे, मारो मारो, एक दूसरे के साथ लड़ लड़ के कोई ना कोई मरा पड़ा रहेगा। तो इसीलिए अभी जाते हैं देखते हैं, अभी गाना वाना उठा के ऑस्कर को सरप्राइज करते हैं। ये आ गया हमारा काना भाई, काना उठा लिया, फिलहाल बस अभी रोटी उठानी है उसके बाद घर की तरफ जाना है। काना खाने बहुत भूख लगी हुई है। शुक्र है रोटी मिल गई यार, वरना पप्पा मुझे हमेशा से ना काम चोरी बहुत पसंद है। मैं खाली हाथ जा रहा हूँ और ये देखो सब कुछ इसको पकड़ा दिया, हर जगह अभी पानी ही पानी। इधर ही ब्लॉग को एंड करते हैं, अपना ख्याल रखना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। आज के दिन तो बस ऐसे ही गुजर गया, सोचा था यार जाएंगे कहीं पे और दोस्तों के साथ बैठेंगे खाएंगे पिएंगे, लेकिन नहीं हो पाया यार। चलो खैर, मेहमान को तो घर लेकर आ गए ना हम लोग, यही काफ़ी है। बहुत सारा ख्याल रखना अपना और बी इन टच। शुक्रिया मेरा व्लॉग देखने के लिए, गुड बाय।